महागठबंधन के लोग आज सड़क पर उतरे हैं। महागठबंधन के सारे दल के लोग सड़कों पर उतरे हैं। सिर्फ दल के लोग नहीं, पूरे जिला के किसान गांव गांव में तमाम प्रखंडों में सड़कों पर उतर गए हैं। आप इसका पता करिए, किसान समझ गया है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। इसीलिए ये काला कानून जब तक वापस नहीं लेगा, अब गांव का किसान मजदूर सड़कों पर रहेगा, और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा। यही हम लोगों का आज का डिमांड है। और सहरसा भी पूर्ण रूप आज बंद रहेगा, बंद व्यवसायियों का तमाम लोगों का पुरजोर सहयोग समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सारे लोग समझ रहे हैं कि ये मांग किसानों का जायज है। ये इसीलिए तन से बहा पसीना तो कुछ सरस हुई बालू की रेती, और खाने के दिन आए तो करना घर में आंसू की खेती। आज भारत के अन्नदाता किसान, आज 13वां दिन है कि दिल्ली को घेरे हुए हैं, और उसी के समर्थन में आज संपूर्ण भारत बंद है। 3 विधेयक जो उन्होंने भारत के खेती और किसानी के खिलाफ लाया है, उसी के समर्थन में भारत बंद है। बिहार में हम लोग महागठबंधन के लोग आज भारत बंद के समर्थन में सहरसा में सड़कों पर उतरे हुए हैं। आम जनता का भरपूर समर्थन है, और ये 13वां दिन है। अगर सरकार में तीनों विधेयक को और बिजली संशोधन 2020 के विधेयक को वापस नहीं लिया, ये सरकार की तेरी हो जाएगी और ये एनडीए सरकार को जाना पड़ेगा। ओम प्रकाश नारायण, CPI।